नमस्कार आप सभी को, एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम हमेशा स्वागत अभिनंदन ही करते रहते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा शुरुआत का जरिया यही होता है कि आप लोगों का स्वागत अभिनंदन ही किया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आपसे आज हम चर्चा और बात करने आए हैं। ये उन सभी के लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण वीडियो है जो भी प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं या जो कि भविष्य में देने वाले हैं। वाले का मतलब, अगर आप वर्तमान के भी छात्र हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें यह वीडियो थोड़ा आपको बूस्टअप करने का काम करेगा, थोड़ा एनर्जेटिक बनाने का आपको काम करेगा। क्या गलतियां हमसे होती हैं, क्या खामियां हमसे रह जाती हैं, क्या चूक हमसे रह जाती हैं, इन सारी बातों में मैं आपसे आज बात करने आया हूँ। पहली बात तो ये है, जो भी नौ प्रवेशी छात्र छात्राएँ हैं वो अगर यहाँ पर एडमिशन करवाने आ रहे हैं, प्रवेश परीक्षा देने आ रहे हैं, तो बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं। तो पहली बात आपको ध्यान देनी है कि उन पूर्वाग्रहों से आपको दूर होना है, यानी कि एक सकारात्मकता, एक विश्वास, एक दृढ़ निश्चयता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में प्रवेश लेने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप भरोसा रखिए अपने आप पर और भरोसा इस संस्थान पर रखिए कि अगर आपका यहाँ प्रवेश होगा तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, तभी आप परीक्षा देने में आपकी सार्थकता सिद्ध होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा जब आप देने जा रहे हैं तो अभी आपके अंदर थोड़ा द्वंद्व की स्थिति होगी, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता चला जाता है। अब आपके मन में ऐसी मना स्थिति चल रही होगी कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ा हमने बहुत कुछ है लेकिन लग रहा है कि हमने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम देने आपके साथी आ रहे हैं वो किसी मंगल ग्रह से नहीं आ रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के साथी नहीं हैं, वो आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहनें हैं, आपके ही बीच से हैं। तो इस वजह से जितना आप तैयारी किए होंगे अच्छी तरह से, उतना वो भी तैयारी किए होंगे, हल्का सा डिफरेंस रह जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप जो है किसी से कम हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है, बार बार रिवीजन अगर आप किए हैं, तो आपका पेपर ज़रूर अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि परीक्षा देते समय हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिन गलतियों को करने की वजह से हमारे 4 से 5 सवाल अपने आप ही गलत हो जाते हैं। बहुत सारे छात्र ऑप्शन को ठीक तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं। हमको सवाल आ रहे हैं, सवाल आ रहा है तो अगर कहीं नहीं है, कहीं मतलब जैसे सवाल पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, क्या सही है, कहीं सवाल में पूछ लिया गया क्या नहीं सही है, हम उसमें इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमको आते ही हुए सवाल भी हम गोला करके चले जाते हैं। वहाँ पर आप बॉल पेन से गोला करेंगे, टिक करेंगे, रंगेंगे उसको, और कभी कभी फिर आप खुरचने का काम करेंगे, अरे ये तो 39वां सवाल हमने गलत कर दिया, 39वां का ऑप्शन हम 40वें में भर दिए। इस तरह की जो ह्यूमन एरर होती है, इससे कम से कम 5 से 6 सवाल आपके गलत होते ही हैं। तो बहुत स्टैटिक रूप में, बहुत ही अपने आप को स्थिर करके परीक्षा हॉल में आपको जाना है और वहाँ पर एकदम फ्रेश माइंड से आपको बैठना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इतना पर्याप्त समय आपके पास रहता है कि आप सारे सवालों को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पहली बात तो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं रहता, बहुत अच्छी तरीके से सीधे फैक्चुअल सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव तरीके से सवाल रहते हैं, सीधे और साफ शब्दों में अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो उनका बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से ये फ़ायदा आपको रहेगा कि आप लोग उस चीज़ों को बार बार अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं, कोशिश ये करिए चीज़ों को फिर से वही दोबारा पढ़िए, कुछ नई चीज़ों को ना पढ़िए। जिनका एंट्रेंस पेपर अभी हाल में 20 और 21 तारीख को है, बीए और बीएससी तमाम तरीके के कोर्सेज की, तो वो वही सी चीज़ें पढ़ें जो अभी तक उन्होंने पढ़ा है, कुछ नया ना पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से कुछ छूट रहा है हमारा पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है तो हमको पढ़ना चाहिए। अब बात हम करते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन देने आते हैं, यानी कि आपने अलग अलग जगह सेंटर डाला होगा, कोई इलाहाबाद डाला होगा, कोई लखनऊ डाला होगा, कोई कहीं भी वाराणसी, तमाम तरीके से, तो जब आप परीक्षा देने आते हैं तो परीक्षा देने आने की बात की जो तैयारी आपकी रहती है, आप अभी तो अपने घर में लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप युद्ध के लिए मैदान में उतरते हैं, मैदान आपका परीक्षा केंद्र होता है, मैदान के बाहर बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है। भीड़ खड़ी होने का मतलब है एक एक सेंटर में 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे एक साथ परीक्षा देते हैं। तो परीक्षा देने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप भीड़ से घबराइए ना, अपने अंदर ऐसा उत्साह रखिए जो आपके साथी हैं वो आपके ही साथी हैं। तो भीड़ से आप घबराइए ना, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, उनमें आप भी एक हीरे हैं, आप भी किसी माँ के लाल हैं, आप भी अपने बाप के सपूत हैं। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करिए, भीड़ से घबराइए ना। इसके बाद की क्या स्थिति होती है, परीक्षा तो आप दे दिए, परीक्षा देने आप हॉल में गए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करने से ज़्यादा दिखाते हैं,
मतलब करें एक्टिंग करते ज़्यादा हैं, अटेंट कम करेंगे एक्टिंग ज़्यादा करेंगे। आपके बगल ही बैठने वाला कोई छात्र हो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा हो, आप इससे होपलेस ना हुई, आप इससे डिस्टर्ब ना हुई। बहुत सारे छात्र कहते अरे हो देगा वो तो कर लिया सवाल, कोई आधे घंटे पहले घंटे पहले करके बैठ गया, तो इससे आप अपने आप को डिप्रेस ना फील करिए। आपको जो आता रहा ना वो आपको वहीं परीक्षा हॉल में ही भूल जाएगा। तो बहुत स्टैटिक दिमाग से बहुत स्थिर तरीके से परीक्षा आपको देनी है। यह एक युद्ध है और युद्ध को हम मानसिक शारीरिक हर एक तरीके से जब लड़ेंगे तभी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इस वजह से परीक्षा हॉल में क्या ध्यान देना है कि हमको किसी पे ध्यान नहीं देना है, हमको अपने टारगेट पे फोकस करना है, हमको अपने क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है और एक्टिंग करने वाले लोगों से थोड़ा आप दूर बचिए। परीक्षा के बाहर जब आप केंद्र पे खड़े रहते हैं आपके बहुत सारे हित मित्र आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे आप डिस्कशन करना चालू कर देते हैं, ये राजधानी बताओ ये बताओ, अलग अलग तरीके से सब अलग अलग तैयारी करके आते हैं। तो इससे बिल्कुल आप ये डिस्कशन करिएगा ही ना, बिल्कुल भी डिस्कशन ना करिएगा। परीक्षा हॉल के अगर एक घंटे पहले अगर आप बैठे हैं तो कुछ चीज़ें आप ले लीजिए, आपके पास आपका मोबाइल रहेगा, गूगल वूगल से आप थोड़ा हल्का चीज़ें आप रिवाइज करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। आप पूरे के पूरे 2-3 पेज में अपना पूरा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ज़्यादातर टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से टच करेगा, तो जो जो चीज़ें आपको लगती है कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के बेस से उसका शॉर्ट नोट्स आप अपने पास लेके जाइए, एकांत में कहीं बैठकर आप वही पढ़िए। चर्चा परिचर्चा करने से आपको खुद ही हानि होगी, आप सोचेंगे 2 सेकंड के लिए हम किसी के सामने दिखा देंगे, बाद में आप फिर खुद ही दिख जाएंगे। तो ध्यान देना है आपको भी और आपके सामने वाले को भी। इसके साथ साथ पेपर एक ही तरीके से आएगा, अगर पेपर बहुत हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, अगर पेपर आसान आएगा तो सबके लिए आसान आएगा। तो बिल्कुल ये दिमाग में रखिएगा, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है और बहुत कठिन सवाल है तो ये सोचिएगा किसी ज़्यादातर लोगों को वो सवाल नहीं आ रहा है, कोई मंगल ग्रह से यहाँ पेपर देने नहीं आ रहा है, आपके ही बीच से आ रहे हैं। अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा और पेपर आसान आएगा तो सबके लिए आसान आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास ज़रूरी है लेकिन अति आत्मविश्वास किसी भी परीक्षा में आपके लिए खुद ही हानिकारक होता है। जैसे आत्मघाती हमला होता है ना फुटबॉल में, आत्मघाती गोल होता है, अपने ही पोस्ट पे गोल कर देते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल नहीं है, हमें आत्मविश्वास है कि हम सारे सवाल को टैकल करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अति आत्मविश्वास में हम लोग बहुत गलत कर जाते हैं। एक और विधि है, सवाल का जवाब आप इल्यूमिनेशन विधि से भी दे सकते हैं। जैसे 3 ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि नहीं होगा तो एक ऑप्शन वहाँ पे हो जाएगा, इल्यूमिनेट करिए, सवाल को इल्यूमिनेट करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए और उसको अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं आप परीक्षा देने आएंगे, परीक्षा देने से पहले आप अलग अलग क्षेत्र से होंगे, कोई सुल्तानपुर से होगा, कोई पूर्वांचल से होगा, कोई पश्चिम क्षेत्र से होगा, कोई अलग स्टेट से होगा। तो पहली बात तो है रात को नींद अच्छी तरीके से लीजिए, कम से कम 6 से 7 घंटे आप अच्छे से सोइए, क्योंकि अगर आप रात को नींद अच्छी तरीके से लेंगे तभी आपका दिमाग और दिन अच्छा जाएगा दूसरे दिन। तो इस वजह से अच्छी तरीके से 7 से 8 घंटे की आप भरपूर नींद लीजिए, उसके बाद तब आप दूसरे दिन परीक्षा देने। एक दिन में आप पूरी जंग नहीं जीत जाएंगे, साल भर नहीं पढ़े तो एक दिन में पढ़ने से कुछ उखाड़ नहीं लेंगे आप। इस वजह से रात को अच्छी तरीके से नींद लीजिए और इसके साथ साथ सेंटर आपका जहाँ है, अगर आपका सेंटर इलाहाबाद में है तो गूगल मैप पे आप सर्च कर लीजिए, इलाहाबाद स्टेशन पे आप उतरेंगे तो वहाँ से किधर जाना है एक निश्चित समय आप बना, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ रहेगी, इतनी भीड़ रहेगी कि जाम में भी आप फंसे रह सकते हैं, तो समय से पहले निकलिए। अभी पेट की परीक्षा पिछले कुछ महीने पहले हुई थी, उसमें बहुत सारे छात्रों का पेपर छूट गया एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में, तो जिनका पेपर दूसरे शिफ्ट में है बहुत विशेष ध्यान देंगे कि सेंटर पे वो बहुत जल्दी पहुंचने का प्रयास करेंगे, घर से 3 से 4 घंटे पहले निकलिए वरना आपका पेपर छूटेगा तो आप वहीं रोएंगे, क्योंकि अगर आप सवारी से होंगे तब तो जाम में पक्का फंसेंगे, मोटरसाइकिल से होंगे तब भी जाम में आप फंसेंगे। तो इस वजह से समय से पहले निकलिए 3 से 4 घंटे पहले, जो दूसरे शिफ्ट वाले हैं, यानी कि जाम ना लगने पाए, पहला पेपर छूटने के बाद आप वहाँ पर पहुँच जाइए। ये आपको बात बहुत ध्यान में देनी है, सेंटर को आप अच्छी तरीके से खोज लीजिए, क्योंकि उस दिन अगर आप सेंटर के लिए भागेंगे दौड़ेंगे तो आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। आप पहले से सेंटर का पता कर लीजिए कि हमारा सेंटर नैनी में है कि झूसी में है, जहाँ कहीं भी हो सेंटर की आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए, जिससे कि आपको उस दिन भटकना ना पड़े, वरना आपकी जितनी तैयारी है ना सारी की सारी तैयारी, मानसिक स्थिति आपकी ख़राब हो जाएगी और आप खुद ही समस्या में पड़ जाएंगे। तो सेंटर का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद फिर यह एक युद्ध है, युद्ध का मतलब है कि यहाँ पे बहुत लोग तैयारी करने आ रहे हैं, आपके साथ साथ बहुत लोगों को कंपटीशन है। कोविड के बाद से स्थितियाँ बदल गई हैं,
मारामारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है। युद्ध में हमें हर एक पोर्शन को टच करना है जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे लिए हर एक चीज़ों को, जैसे आप रीजनिंग करिए, आप हिंदी पढ़िए, आप हर एक पोर्शन को टच करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशंट हिस्ट्री, तो आप किसी भी पोर्शन को हल्के में ना लीजिए, सब चीज़ों को आप कवर करिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। और जो बातें मैंने आपको ये सारी बताई हैं, आप ऐसा अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर है कि आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, और आप खुद खुश होंगे, अपने परिवार को खुश करेंगे, और अपने सपनों की उड़ान में थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, वो आपका मन अगर करेगा नैतिक तो आप कर दीजिएगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी जो आपके अंदर सवाल हों, वो सवाल आप ज़रूर पूछिए, पढ़ते रहिए, किताबों का सहयोग करते रहिए, करंट से आप लोग रिलेट करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि, छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, थैंक यू।